ई पंजीयन और स्टाम्प में आ रही तकनीकी खामियों से परेशान हो चुके स्टाम्प वेंडरों और सर्विस प्रोवाइडर्स सहित एडवोकेट ने पंजीयन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध के रूप में मंगलवार से सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल पूरा मामला रजिस्ट्री के ऑनलाइन होने के बाद से आ रही तकनीकी खामियों से जुड़ा है। रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में अक्सर सर्वर डाउन होने से पब्लिक और सर्विस प्रोवाइडर्स को रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सर्विस प्रोवाइडरों का धंधा भी मंदा पड़ गया है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर में तकनीकी बिंदुओं को समझना समझ से परे है और समस्या की मूल जड़ है ट्रेजरी, जहां राशि तो जमा हो जाती है लेकिन ऑनलाइन राशि शो नहीं हो पाने से ग्राहक सर्विस प्रोवाइडर्स पर चढ़ाई कर उन पर मानसिक दबाव डालते हैं। वहीं स्लॉट बुकिंग को लेकर भी भारी अव्यवस्थाएं हैं। ऑनलाइन सिस्टम के बाद भी लोगों को रजिस्ट्री के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि हमने इस बदली हुई व्यवस्था में खामियों के सुधार हेतु शुरू से ही शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ई रजिस्ट्री के साथ साथ मैनुअल रजिस्ट्री की घोषणा नहीं कर देती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि मंगलवार शाम तक सर्विस प्रोवाइडर की विभाग के साथ वार्ता विफल रही है। इनको ज्ञापन सौंपे गए, पूरे अधिकारियों को, प्रशासन को जताया गया कि ई पंजीयन में बहुत खामियां हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। तकरीबन भोपाल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर का 2 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है, जिसका ये पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ पे है। बैंक के यहाँ से निकल चुका है लेकिन बीच में पैसा कहाँ है, इसकी कोई भी विधिवत जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं है, जिससे सर्विस प्रोवाइडर का वहाँ भी नुकसान हो रहा है और शासन को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है इससे। और जो आप लोगों को भी, मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं कि साहब बैंक कर देंगे रजिस्ट्री यहाँ, और हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं दे रखी हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही। भाई साहब ये क्या है, कल का इनने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, वो आज की डेट में भोपाल, खासतौर से भोपाल में ऐसी व्यवस्था हुई है कि आज की डेट में वो रिलीज करेंगे, बताएंगे कि हमने इतनी रजिस्ट्रियाँ इतनी स्ट्राइक की बात भी कर दी। ये बिल्कुल गलत है, ये गुमराह करने का तरीका है प्रशासन का। EMS TV के लिए डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।